याद के मौसम सुहाने आ गए, गमे शहर में कितने मैखाने आ गए, कितनी मुश्किलों से तुम्हें भूला था मैं, यार तुम फिर दिल दुखाने आ गए, और आपके हाथ से मिलने की खबर सुन के हम खुद जहर खाने आ गए। तो गाइस बाहर सुहाना मौसम है, बोलो फद्दू मौसम है क्या, बोलते हो क्या चल रहा है आजकल। बैक विथ अनदर एट बॉल पुल वीडियो, और आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं एट बॉल पुल में आने वाले न्यू अपडेट के बारे में, जो है आइस एंड फायर वाला इवेंट। तो अभी अभी मुझ तक ये न्यूज़ पहुंची है इतनी देर के बाद, पता नहीं अपने अखबारों को क्या हो गया है, और हमारी जो कबूतर लोग हैं जो हम तक खबर पहुंचाया करते थे वो सारे सो गए हैं। ठीक है, तो अभी मेरे को पता चल रहा है कि भाई न्यू इवेंट आने वाला है इतने दिनों के बाद। तो आज देखते हैं कि क्या सीन है, फुल जाके रिव्यू करेंगे। पहली बार मैंने अब तक कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ देखा नहीं है, सब देखेंगे जानेंगे परखेंगे। उससे पहले गेम में आया था एक न्यू इवेंट, खेल रहा हूँ मैं गोवा गाजा विन स्ट्रीक। इसकी ऑलरेडी मेरे पास रिंग है, इसकी आई थिंक मेरे पास क्यू भी मैक्स्ड है, ज़रूरत है नहीं कुछ खास इस इवेंट को खेलने की, लेकिन हरे रंग का टेबल है ना तो थोड़ा खेल लेते हैं हरे रंग की क्यू के साथ। और सिंपल अपन को पता नहीं यार इतने सिंपल सिंपल टेबल ये लोग क्यों दे रहे हैं गेम में, यानी कि बच्चा बच्चा तुम लोग पैदा हुए बच्चों को भी दे दोगे ना ये वाला गेम खेलने के लिए, तो इस टेबल वाले इस रूल के साथ तो वो भी तुम्हें डिनाइल मार देगा। तो इसमें कुछ फर्क ही नहीं बचा है, कोई नूप कोई प्रो वाला कोई सीन नहीं है। टेबल तो वो था यार जो आइस वाला ये लोग ने निकाले थे, इनडायरेक्ट वाला टेबल, ऐसे कुछ टेबल लाओ तब मजा आया। और इसमें भी यार मतलब ओपोनेंट लोग जितने होते हैं उन लोग की सारी बॉल जो लोग के ब्रेक करने के बाद ही सारी बॉल इतनी ओपन हो जाती है, और हमारे साथ होता है कि भाई हमें बनानी पड़ती है पोजिशन ब्रेक में, या तो क्यू बॉल जाएगा या तो ब्रेक पाचड़ होगी या तो कुछ भी हो जाएगा, लेकिन अपने को सिंपल गेम कभी नहीं मिलते। तो गाइज अपन रिव्यू कर रहे हैं आइस एंड फायर इवेंट का प्रीव्यू, मैं खुद इसे पहली बार देख रहा हूँ। लिखा हुआ है गेट रेडी टू मास्टर आइस एंड फायर इन न्यू एट बॉल पूल स्पेशल इवेंट। लग तो रहा है काफी सेक्सी सा इवेंट होने वाला है, ये दो नई क्यूज आने वाली है, पर शायद मुझे लगता है कि इसमें दो टीम होगी जैसे पिछली बार की तरह थी, लेकिन कुछ नहीं पहले पढ़ते हैं फिर देखिए, अपना अजम्पशन हर जगह अपना दिमाग नहीं लगाते। यहाँ पे वेनसडे 15 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक के चलेगा, कितने दिन, 20 दिन, 20-21 दिन का इवेंट है, 3 हफ्ते का बेसिकली इवेंट है। आइस एंड फायर के टोकन्स मिलेंगे अपने को विक्ट्री बॉक्सेस से ऑन ऑल टेबल्स, ऑल टेबल्स यानी कि नए टेबल एंड एक्सचेंज फॉर एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड। ठीक है, दो क्यू मिलने वाली है, टेस्ट और क्यू जोन 3 नए आइस एंड फायर थीम के टेबल जाने वाले हैं। क्यू कुछ इस तरीके की नजर आ रही है भाई, एक है परमा फ्रॉस्ट क्यू, 41 लेवल तक जाएगी, एनिमेटेड है भाई, ब्लेजिंग क्यू, मेरे को ये वाली ज़्यादा बेहतरीन लग रही है, इसमें इतना कुछ खास नहीं है, ये वाली क्यू काफ़ी प्यारी लग रही है। तो सिंपली इसको आइस टोकन्स के साथ अपग्रेड होगी ये वाली, और ये वाली फायर टोकन्स के साथ अपग्रेड होगी, एंड यू विल बी एबल टू अनलॉक एंड अपग्रेड बोथ एक्सक्लूसिव क्यूज। तो ठीक है, दोनों ही क्यू हमें मिलेगी, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से, तो मेरे को नहीं पता, तुम लोग कमेंट करके बताओ तुम लोग को आइस क्यू ज़्यादा पसंद है कि फायर वाली क्यू तुम्हें ज़्यादा पसंद है। और इसमें 3 न्यू टेबल्स जो है वो है आइस के स्पॉट आइस स्पॉट आइस के स्पॉट्स नहीं पाए आइस स्पॉट्स फायर रश और आइस एंड फायर फ्रेंजी, 3 नए टेबल, वाह। तो इसमें है स्टे कूल एंड कॉन्कर स्लीपरी, इसमें स्लीपरी आइस के स्पॉट्स होंगे जैसे रफ पैच वाला टेबल होता था आई थिंक वैसे कुछ, तो फायर रश थिंक इसमें एक हॉट टाइमर है, और इसमें तीसरे वाले में जो आइस एंड फायर फ्रेंजी स्लीपरी आइस एंड रेस अगेन, तो इसमें दोनों चीज़ होने वाली है। तो 3 टेबल है, लोग ने यहाँ वहाँ करके सेम ही चीज़ डाल दी है, चेक बैक राइट। और 15 मार्च में अगर अपन यहाँ वापस आएंगे तो अपने को सारे रूल्स सारे रिवॉर्ड्स सब कुछ यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे टोकन्स के बारे में कुछ छोटा मोटा लिखा हुआ है, कलेक्ट आइस एंड फायर टोकन्स टू एक्सचेंज फॉर एक्सक्लूसिव, ये टोकन्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, मेरे को पता नहीं टोकन्स कैश से मिलेंगे या गेम खेल खेल कर कलेक्ट करने पड़ेंगे। कैश से मिलेंगे तो तुरंत अपन क्यू मैक्स कर लेंगे, खेल कर करना होगा तो यार बहुत मुश्किल है बिकॉज अपने पास उतना टाइम नहीं है इतना कुछ खेलने का, लेकिन देखते हैं कि क्या सीन हो पाता है। ठीक है, फ्रॉस्ट बॉक्सेस ऑल्सो, अच्छा मिशन में भी मिलेंगे फ्रॉस्ट के बॉक्स, पूल पास के रिवॉर्ड में भी मिलेंगे, पूल पास इन लोग बेचना कहीं बंद ही नहीं करेंगे, पूल पास बेचते ही रहने वाले लोग, तो पूल पास खरीदो और इसके टोकन जमा करते जाओ। ठीक है, गोल्डन स्पिन से भी, वाह क्या बात है। यह है 15 मार्च को स्टार्ट होने वाला ये वाला इवेंट, तो देखते हैं इसमें क्या कुछ हो सकता है। तो गाइज अभी अभी अपन ने रिव्यू करे है न्यू इवेंट आइस एंड फायर वाला, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है और खेलने में बहुत ज़्यादा मजा आने वाली है। मेरे को नहीं पता तुम लोग की कौन सी फेवरेट क्यू है, मैंने बोल रखा है तुम्हें कमेंट करके बता देना। और तुम लोग के लिए एक और गुड न्यूज़ है ये वाली वीडियो में, मैं कैसे भूल गया तुम लोग को ये बताना, लास्ट वीडियो में अपने कुछ अकाउंट्स का गिव अवे किए थे बिल्कुल उसी तरीके से, इस बार भी एक गिव अवे, और इस बार थोड़े और ज़्यादा अकाउंट्स का, टोटल कुल मिला के 1100 मिलियन कॉइन्स अकाउंट का गिव अवे है।
100 मिलियन के 11 अकाउंट, ठीक है, अपनी नसीब अगर तुम लोग ने लास्ट गिव अवे में आजमाई होगी और नहीं जीते होंगे तो इस बार आजमाओ, इस बार शायद तुम्हारी नसीब निकल पड़े। कुछ नहीं करना है तुम लोग को, स्क्रीन पे तुम लोग को एक चैनल दिख रहा होगा अंकित NBPYT, उसे जाके सब्सक्राइब करो। इस वीडियो, सिर्फ इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में डन लिख देना, अपना कोई जीमेल वगैरह छोड़ देना, अंकित रिजल्ट निकालेगा उसके चैनल पे, तो रिजल्ट देखने वहाँ चले जाना। मेरे को नहीं पता वो कब निकालने वाले, वहाँ पे तुम एक्टिव रहना पड़ेगा रिजल्ट देखने के लिए। जैसे ही तुम लोग विनर बन जाओगे तुम्हें अपने जीमेल पे अकाउंट मिल जाएंगे, ठीक है, इसमें मेरा कोई लुकआउट नहीं है, अकाउंट्स भी अंकित ही देगा। तो जाओ उसे सब्सक्राइब करो इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये एक और गोवा गाजा विन स्ट्रीक का इवेंट बता रहा हूँ तुम लोगों को, गेम बता रहा हूँ, सिंपल से अपन ने फिनिश कर दिए थे कुछ एक आध इनडायरेक्ट वगैरह खेल के। एंड मैंने सुना है बर्लिन में दोबारा हैकर लौट आए हैं, क्या ये बात सच है? मुझे नहीं पता, मैं तो इतना नहीं खेल रहा हूँ, मैं थोड़ा COC कभी कभार अटैक कर ले रहा हूँ, बट ये मैंने थोड़ा कम कर दिया है खेलना। मेरे को अभी कुछ हैकर वैकर तो नहीं मिल रहा है, बट सुनने में आ रहा है कि मिल रहा है, ठीक है। तो खैर कोई नहीं, तुम लोग को इतना बोलूँ, और गेम से रिलेटेड तुम लोग कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, मतलब कॉइन्स कैश या अकाउंट्स, ठीक है, तुम लोग को इंस्टा पे मैसेज करो। हालांकि थोड़ा बिजी रह रहा हूँ मैं, तो शायद तुम लोग को रिप्लाई करने में देरी हो जाए, लेकिन कोशिश करूँगा कि रिप्लाई करूँ। टाइम वेस्टर कृपया करके कोई मत आना, इंस्टा पे मैसेज करो एंड सब तुम लोग को मिल जाएगा। मैं तो सोच रहा हूँ इस बैच के डंग मेरा खुद का अकाउंट दे दूँ, किसी को दे दूँ, यानी कि मेरा खुद का अकाउंट सेल कर दूँ, लेकिन फिर अगर ये दे दूंगा तो फिर अपने पास क्या बचेगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, कोई नहीं। ये है इस वीडियो का आखिरी गेम, अभी तक वीडियो पे बने हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो जिसने नहीं किया है, और मज़े करो, मज़े करना ज़रूरी है ज़िंदगी में भाई, ठीक है। हमने जो नहीं किया हम तुमको बता रहे, तुम तो भी कर लेना। एक और बेहतरीन सा इनडायरेक्ट खेलूंगा पर्पल बॉल को, एंड मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैंने बोल रखा जॉब वगैरह में हूँ, तो मैंने पहले ही बोला था 2 महीने पहले कि एक बार मैं जॉब पे ऑफिस में से मेरा स्टार्ट हो गया तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगा लाइव स्ट्रीम वगैरह, तो इसलिए लाइव स्ट्रीम बंद है। एंड वीडियोज़ भी बहुत मरमर के बन रहे हैं बहुत टाइम टाइम के बाद, तो जो हमारे साथ है वो अब इधर खड़े हैं वीडियो देख रहे हैं, जो साथ नहीं है वो पता नहीं कहाँ है, ठीक है। तो रहो साथ में हमेशा जिंदगी में कुछ करते। ये वाला बहुत एक्चुअली प्यारा शॉट है, मेरे को लग रहा था ब्राउन ब्राउन के जाके पप्पी दे देगा, लेकिन उसको नहीं दिया, वहाँ पे खाचा था, तो इसको प्यार से पास कर देंगे। एंड मैंने बैकस्पिन इसलिए लिया है क्योंकि मेरे को ऑरेंज को बॉटम लेफ्ट में खेलना था इनडायरेक्ट शॉट, ठीक है, और कोई सीन नहीं है। तो अगर ये CCP ये वाला जो इवेंट है ना, अगर ये मैंने दोनों क्यूज मैक्स कर लिया तो अपना CCP हो जाएगा 100। किसी को अपने CCP मतलब अपने अकाउंट में CCP वगैरह इंक्रीज करना हो तो मेरे को बोल सकते हो, अपन फेयर तरीके से इंक्रीज कर देंगे, तुम्हारा CCP 100 तक पहुंचा देंगे, कुछ खास नहीं है उसमें। सारी विनस्टिक की क्यूज मैक्स करनी होती है एंड कैश से सारी क्यूज परचेज वगैरह। ये तो डिनाइल दे दिया मैंने, अपोनेंट नसीम भाई थोड़े नाराज हो गए अपने साथ, लेकिन एक हारेगा एक जीतेगा वही तो गेम है भाई। तो ये गेम निकाल लेते, प्यार से खत्म करते, लास्ट गेम है इस वीडियो का, अभी तक बने हो तो वही बोलूंगा, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, दोबारा से मजे करना जरूरी है, मजे करो, ठीक है, इतना ही बोलूंगा। चिंगम का चबा के, पुल खेलो दबा के, अपन फिर मिलेंगे।